हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग एज यूजुअल कानपुर से शूट हो रहा है और अभी जो है दोपहर के बज रहे हैं 1 और मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि तो शिवी को सुला दिया है। उसको अपना आप लोग जानते ही हैं, दोपहर के टाइम वो सो जाती है, तो ये अब टाइम मेरा होता है, बहुत ही कीमती समय होता है ये मेरा, जिसमें मैं थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल पाती हूँ जब वो सो रही होती है। तो बस अभी अपने खाने का इंतजाम कर रही हूँ। दाल चावल बनाया है आज मैंने, ये देखिए चावल, और अभी डालूंगी मैं इसमें दाल। तो मैंने डाल दी इसमें दाल, आप लोगों को तो दिख भी नहीं रही है। ओह सॉरी, मोबाइल थोड़ा सा ऐसे है, अब दिख रही होगी। ये देखो, ये है दाल, और ये रही मेरी कुंदरू की सब्जी जो कि मैंने बनाई है, अभी दिखाऊंगी आपको। थोड़ा सा रुकिए, अभी दिखाती हूँ। मैंने ना ये बनाए हैं भरवा मसाला डाल के, और बनाए हैं काट के थोड़े लंबे लंबे, बड़े ही अच्छे लगते हैं शेखर को भी और मुझे भी, हम दोनों को ही अच्छे लगते हैं। तो ये बस फटाफट से खा लेती हूँ दाल चावल, भूख बहुत तेज लगी है मुझे। हाँ, सुबह ना मैंने ब्रेकफास्ट कम किया था, इस वजह से भूख ज़्यादा लग रही है। तो बस अभी दिखाती हूँ दाल चावल, रुकिए। तो ये रहे मेरे दाल चावल, थोड़ी सी कुंदरू की सब्जी ले ली है मैंने। तो बस अब खा पी लूँ, उसके बाद जो है फिर शाम को मिलती हूँ आपसे, जब शिवी उठेगी उसकी शैतानियाँ स्टार्ट हो जाती है तभी मिलूँगी आपसे। अब ये क्या ही मेरा यही समय रहता है, आप लोगों को पता ही है, इस टाइम पे ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद सीधा मैं शाम को ही अपना कंटिन्यू करती हूँ। तो मिलूँगी शाम को, पहले खाना वाना खा लूँ फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ना शाम हो गई है और शाम के 5 बजे है, और मैंने बना ली अपनी गर्मा गर्म चाय शाम वाली, आप लोगों को बताइए। और आज तो बहुत बारिश होने लगी है, अभी थोड़ा अभी स्टार्ट हुई है, 10 मिनट पहले बहुत भयंकर वाली बारिश स्टार्ट हुई है, पता नहीं कितना बरसेगा क्या होगा। अब ये तो भी बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं मैंने धुले हैं, पता नहीं कैसे धुलूंगी, तो बारिश हो रही है। और चाय पीने जा रही हूँ, ग्लास भर के आज बनाई है, ये देखो ये वाला ग्लास बड़ा वाला पूरा नहीं भरा है लेकिन हाँ काफ़ी सारा, ये देखो आधा आधा ग्लास तो है ही। और शिवी पता नहीं कहाँ चली गई है, ये कहाँ गई, पानी लेने के लिए चली गई थी फ्रिज में। शिवी आओ, सबसे हाई कर लो, नमस्ते करो। हाँ कुछ लेकर आ रही है, आओ जल्दी आओ, सबसे नमस्ते करो पहले, इधर आओ, आओ तो पहले इधर, सबसे नमस्ते करो, इधर आके नमस्ते करो सबसे, नमस्ते, और हाई भी करो सबसे। जो कैसे हो आप लोग, अपने आप लोगों के रिप्लाई कर देती है, आप लोग अच्छे हो। तो अभी बस पहले चाय पीती हूँ फ्रेंड्स, फिर इनका शिवी का होमवर्क वगैरह देखना है क्या आया क्या नहीं आया, होमवर्क कराना है इनको, उसके बाद करूँगी अपनी खाने वाली की तैयारी। और खाने में कुछ समझ नहीं आता क्या बनाऊँ, रोज़ रोज़ शेखर का एक ही कॉल आता है, पूछते क्या बना रही हो, मैं कहती हूँ सब्जी बनाऊँगी, तो बोल देते कुछ अलग बनाओ ना, कुछ अलग बनाओ ना। तो बताइए मैं क्या करूँ, मैं क्या अलग बना लूँ यार, मैं मास्टर शेफ हूँ नहीं जो कुछ भी अलग बना लूँगी, बट आई बी ट्राई टू मेक समथिंग डिफरेंट, कोशिश करती हूँ कुछ अलग बनाऊँ। तो अभी तो जा रही चाय पीती हूँ, अभी से मेरी ठंडी हो जाएगी चाय, नहीं तो फिर। तो फ्रेंड्स, अब जा रही हूँ शिवी को होमवर्क कराने के लिए, और होमवर्क में आज है नोटबुक में आया है होमवर्क, ये इनको हिंदी वाली में करना है, और इसमें स्टैंडिंग लाइन है जो हिंदी में है, यानी कि बिंदुओं को जोड़ करके लिखना है। देखते हैं कैसे करती है। वैसे सच बताऊं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया, पहले ये बिल्कुल भी राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन जब से इसकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई ना अप्रैल से, और अप्रैल से लेके जुलाई में बहुत सारा चेंजेस आया, देखो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, और ये देखो अपने आप ही कर रही है पूरा होमवर्क ही अपने आप कर लेगी, मतलब मुझे देखो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और अपने आप कर रही है वो, काफ़ी हद तक मतलब पेंसिल पकड़ना आ गया है, और ये लाइन्स को तो मतलब ट्रेस करना बहुत अच्छे से आ गया, ट्रेस भी कर लेती है, प्लस जो ये जॉइंट करना होता है पॉइंट्स को, उसको भी अच्छे से राइट कर लेती। तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट मुझे मेरी शिवी में दिखता है जब से उसने स्कूल किया है स्टार्ट, जो मैं सोचती थी कि इसको ओरल अच्छा था बट राइटिंग में ये हमेशा प्रॉब्लम करती थी, जब मैं घर पे इसको सिखाया करती थी, जिस मतलब अप्रैल से पहले जब मैं घर पे इसको ट्रेन करती थी ना, तो ये बिल्कुल पेंसिल पकड़ना ही नहीं पसंद करती थी, लेकिन स्कूल जाने से इसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने जो इसका प्ले में एडमिशन कराया ना, वो सही टाइम पर करा दिया, अगर मैं कुछ दिन और रुकती तो इसके लिए भी अच्छा नहीं होता, और शायद मेरे लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ मैं देख रही हूँ, इसके अंदर बदलाव देख रही हूँ। और वैसे भी ये प्री स्कूल में जाती है, कोई मतलब नॉर्मल स्कूल में जो प्रॉपर होते हैं CBSE रिलेटेड उसमें नहीं जाती है, प्री स्कूल की आप लोग समझ ही सकते होंगे कि प्री स्कूल हम ऑलमेज मतलब उसके लिए बने होते हैं, बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए बने होते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब ये देखो अपने आप, थोड़ा सा ये गलत हो गया शिवी,
हल्का सा ये वाला गलत हो गया है। ये वाला इरेज करो, ये वाला और ये वाला, ये खराब हो गया ना, इनको सही करना पड़ेगा। हाँ इसको इरेज करके अच्छे से करो, ये वाला, हाँ ये वाला फिर से बनाओ। हाँ वेरी गुड, अब इसको फिर से करो ड्रॉ। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस, यस, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया, सारा हो गया हो गया हो गया, हाँ हो गया हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, फिनिश। तो भाई हो गया इनका, कंप्लीट हो गया होमवर्क। और अब क्या है, ओरल वाला है इनका, ओरल में इनको पढ़ना है। आज इनकी ये वाली एक्शन वर्ड्स वाली बुक आई है, तो ये पढ़ेंगी अब ये। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कौन सा है अभी शिवी देखिए, पूरा बकायदा करके बताती है एक्सप्रेशन ये। शिवी ए फॉर एक्टिंग, कैसे करते हैं एक्टिंग, कैसे करते हैं एक्टिंग। और बी फॉर ब्रशिंग, कैसे करते हैं। और सी फॉर क्राइंग, कैसे करते हैं। हाँ तो ये क्राइंग कैसे करते हैं देखो। और डी फॉर Yes, she is dancing. Very good. और E for? Eating. E for? Eating. 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 E for? Eating. हाँ, eating कैसे करते हैं? हाँ, देखो खा के बता रही है। और F for? Gone. F for? Fly. Yes, flying. और G for? Gold. वेरी गुड। तो भाई इतना ही इनको याद करना था आज तो, लेकिन ये पूरी बुक पढ़ डालती है, पूरी बुक पढ़ डालेंगी अभी देखना। हाँ जे फॉर जंप, हाँ जंपिंग, जंपिंग कैसे करते हैं, ये जंप हो गई भाई। इनके साथ में पूरा टाइम मेरा ऐसे ही चलता है। हाँ के फॉर, हाँ के फॉर किसिंग, ये देखो। अब पी फॉर के, के बाद सीधा तुमने पी वाला पकड़ लिया, ये सब फट गया तुम्हारा। के बाद ये एल फॉर लाफिंग, लाफिंग कैसे करते हैं। और एम फॉर मॉपिंग, मॉपिंग कैसे करते हैं। यस तो भाई ऐसे पढ़ाने वाला ज्यादा नहीं बनाऊंगी, पता चले मेरे कमेंट्स टर्न ऑफ हो जाते हैं, ज्यादा शिवी का प्रो एजुकेशन वाला दिखा देती हूँ। तो चलती हूँ अब खाने वाने का, पहले बाद में करूँगी, पहले जाऊँगी अपने और काम करूँ, बहुत सारे काम पड़े हुए फ्रेंड्स मेरे। फिर मुझे आज लाइव भी करना है आप लोग के साथ में, शाम को 7 बजे का मैंने लाइव डाला हुआ है सेशन का, तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स रात हो गई है और अब जो है शिवी पीछे पड़ी हुई है कि इनके ये जो डॉल हाउस है ना, ये शिवी को शिवी के मामा ने गिफ्ट किया था, इसी से खेलने के लिए कह रही है। कुछ इनके ऐसे कुछ टॉयज हैं जिनसे ये बोर नहीं होती है, हमेशा खेलती है, तो उनमें से ये एक टॉय है जो शिवी को बहुत पसंद है। ये डॉल हाउस से बहुत खेलती है, तरह तरह के गेम्स उसमें मैं इसके साथ खेलती रहती हूँ, तो बड़ी खुश होती है। तो मैंने आज सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं कि ये वाले डॉल हाउस से मैं शिवी के साथ में कैसे खेलती हूँ और शिवी कैसे खेलती है, बहुत इंजॉय करती है। हा? तो ये येल्लो डॉल है, अब मैं इसको छुपा दूंगी तो शिवी खेलेंगे। हम क्या करेंगे, येल्लो डॉल और ये दो डॉल्स हैं इसमें, तो शिवी क्या करेगी, रेड डॉल को छुपाएगी या फिर येलो डॉल को छुपाएगी। येलो छुपाएगी, येलो डॉल को छुपा दो, हाँ ढूंढो रेड डॉल, रेड डॉल ढूंढेगी अभी, येलो डॉल छुपा दी है इन्होंने यहाँ पर, ये छुप गई। ठीक है हम ढूंढते हैं येलो डॉल, क्या तुम टेरेस पर हो। नहीं मैं टेरेस पर नहीं हूँ, तुम कहाँ हो, तुम तो खिड़की के पास भी नहीं हो। ओहो हम कैसे तुम्हें ढूंढेंगे, मैं तुम्हें ढूंढ सकती हूँ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, ये लो भाई मैंने ढूंढ लिया। अब क्या खेलना है, डॉल हाउस में क्या खेलेंगे, चलो डॉल खाना बनाएंगे। तो ये पूरा इनका ये हाउस, इसमें ये इसकी किचन, तो ये रहा किचन का पूरा सिंक वगैरह सेट है, ये देखो अब इससे खिलवाते हैं इनको, देखते हैं। नॉक नॉक करेगी, अच्छा ठीक है नॉक नॉक करेगी, क्या करेगी वो, नॉक नॉक। तो भाई यहाँ पे ना एक छोटा सा डोर है इसके अंदर, जिसमें कह रही है नॉक नॉक कराओ। ये लो भाई, हेलो डॉल, हेलो कौन है, कौन है, नॉक नॉक, नॉक नॉक तो करो पहले, येलो डॉल से कहो नॉक नॉक करिए डोर को, नॉक नॉक बोलो, नॉक नॉक। ओह हूज दिस, कौन है मेरे घर में, ये कौन आया है मेरे घर में।
डायनासोर, ओ नो, मुझे बचना पड़ेगा डायनासोर से वरना डायनासोर मुझे खा जाएगा। ओ ओ, मैं सो जाती हूँ। वो सोने जा रही है, वो सो गई। चादर देखो कितनी बढ़िया चॉपिंग बोर्ड इन्होंने चादर बना रखी है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे आराध्या, बताओ अब हम क्या करेंगे? किचन में खाना बनाएंगे। किचन में खाना बनाएंगे, ठीक है, हम किचन में खाना बनाते हैं। पर रेड डॉल तो सो गई है, येलो डॉल से बोलो तुम खाना बनाओ। जाओ येलो डॉल को यहाँ पे खड़ा कर दो किचन के पास। पहले किचन का सिंक तो लेकर आओ, सिंक वाला सेट लेके आओ। ढूंढो हाँ, उसको रख दो डॉल हाउस के अंदर। हाँ वही रख दिया इन्होंने। ऐसे गेम्स खेले जाते हैं भाई इनके डॉल हाउस के, बड़ा इनको खुशी मिलती है। खेलो, मजा आ रहा है। हाँ मजा आ रहा है। तो ऐसे खेल रहा है इनका गेम, देख रहे हैं आप लोग। और मुझे भी इनके साथ में खेलना पड़ता है, पता नहीं बच्चा बनना पड़ता है मुझे भी। तो गर्मी लग रही है बहुत तेज, रात हो गई है ना, रात होते होते गर्मी बढ़ जाती है। दिन भर थोड़ा ठीक रहता है और रात होते होते गर्मी बढ़ जाती है। अब हम क्या करेंगे? घुमाओ, घुमाओ भाई, इसको घुमाना है, घुमाना है। इसको कैसे घुमाए, ऐसे ऐसी गर्दन घुमा दे, भूत बना देंगे क्या इसको? तो भूत बन जाएगी। ओ भूत आ गया जंगल में। ये लो सिंक में डाल दो इसको, खाना सिंक के पास ले। क्या हो गया? ये क्या हो गया? ओ तुमने उसकी गर्दन को उल्टा क्यों कर दिया? अब हम क्या करेंगे? चलो वो लेके आओ, पियानो लेके आओ, पियानो बजाते हैं। अब हम पियानो बजाएंगे, गाइस। और तुमने बाथरूम में पियानो क्यों रखा? यहाँ नीचे रखो। डिंग 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 डिंग। बज गया भाई इनका पियानो। तो फ्रेंड्स अभी इनके साथ थोड़ा सा खेलती हूँ क्योंकि टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। और आज का ब्लॉग छोटा सा है, मिनी ब्लॉग है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कर। मुझे जरा बात तो कर लेने दो। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को, वो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग आपको। और हाँ लाइक तो बिल्कुल भी मत करना भूलिएगा। और अगर रेगुलर आपको मेरे ब्लॉग देखने हैं तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।